नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। पटौदी की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में कथित गौरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत को बुधवार को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 नवम्बर तय की गई है। सुरक्षा कारणों से मोनू मानेसर को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मानेसर के अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि अगली सुनवाई में भी मोनू मानेसर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। पुलिस के मुताबिक मामला 6 फरवरी को पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में दो समूहों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जहां मानेसर ने अपने समूह के साथ मौजूद था उसी इलाके के निवासी मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उसके बेटे को गोली लगी थी। शिकायत के बाद 7 फरवरी को पटौदी पुलिस स्टेशन में मानेसर के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के तहत FIR दर्ज की गई थी। मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनके जले हुए शव 16 फरवरी को राजस्थान हरियाणा सीमा पर एक वाहन में पाए गए थे। आरोप है कि कुछ कथित गौरक्षकों ने उन पर गाय तस्करी का आरोप लगाते हुए उन्हें अगवा कर लिया था। 7 अक्टूबर को पेशी में वारंट पर गुरुग्राम भेजे जाने से पहले वो अजमेर जेल के राजस्थान पुलिस की हिरासत में था। बता दें, गुरुग्राम पुलिस को मानेसर की 4 दिन की पेशी का वारंट मिलने के बाद उसे हत्या के प्रयास के मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए कानपुर ले जाया गया। मामला पटौदी थाने में दर्ज किया गया था। 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 11 अक्टूबर को मानेसर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तब से 14 दिन के लिए भूंसी जेल में न्यायिक हिरासत में उसे दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।